वो टेलीफोन का वो टेलीफोन क्या वो तो साहब डैमेज कर दिया, वो पिछली बार अपनी बात हुई थी ना। हाँ वो पक्का किया ना, हाँ उसको पूरा उस डिवाइस को ही मैंने डैमेज कर दिया साहब, 200%। 200% साहब पूरा। अच्छा ठीक है, उसको जो जिससे भेजा था, हाँ जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया साहब। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा का ये ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो क्लिप के बाद से सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2010 में उठा फोन टेपिंग विवाद की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। लोकेश शर्मा ने लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग से पहले ऑडियो टेप सुनाए थे जिसमें गहलोत पर फोन टैपिंग करवाने और सचिन पायलट की जासूसी कराने के आरोप लगाए गए थे। अब ये ऑडियो क्लिप सामने आ गए हैं। ठीक, और वो जो लैपटॉप जिसमें तूने डाला था लैपटॉप पे, हाँ वो भी किसी को दे दो, उसको किसी को, हाँ उसको भी दे देता हूँ साहब। हाँ बाकी उसमें से मैंने उसमें से उसकी हिस्ट्री वगैरह सब डिलीट कर दी थी साहब। हिस्ट्री कर बना रिट्री हो जाती है ना। हाँ हाँ रिट्री हो जाती है जी। कोई रिलेटिव को तो दूसरे किसी दूसरे राज्य में रहते हो तो मैं उसको निकाल देता हूँ साहब, भिजवा देता हूँ अपने पास से। बाहर भेज देना, अरे मैं भिजवा दूंगा साहब, यहाँ नहीं रखूंगा मैं, भिजवा ही दूंगा उसको। नहीं मेरा मतलब है कि या तो डस्टर कर दो, ठीक है। हाँ हाँ वो तो मालूम पड़ता है कि इससे इससे टेलीफोन से ये पेन ड्राइव से गया उसके अंदर। नहीं साहब ऐसा उसमें मालूम नहीं पड़ता, फोन से गया। हाँ क्योंकि अपन ने भेजा फोन से था ना साहब, इसलिए लैपटॉप का तो, लैपटॉप का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ही शो नहीं होगा कहीं पे भी। हाँ ठीक है, लैपटॉप का शो ही नहीं होगा। हाँ भाई जब मेरा यूज ही मेरा फोन हुआ था तो वो तो इशू ये होता है भाई फोन में कहाँ से आया, तो अपने अपने तो ना तो कोई पेन ड्राइव की बात है ना लैपटॉप की बात है, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप से आया था। तुमने तो अगर मान लीजिए मैं तेरे को भेजूं लैपटॉप पे, क्या कहें व्हाट्सएप पे, हाँ उसी ढंग से जो भी लैपटॉप चाहे होगा तेरे फोन पे। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।